आज मऊ पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। ये तीनों ही अपराधी वाहन चोर और लुटेरे हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनसे एक तो सबसे पहले 2 गाड़ियां बरामद हुई जो मोटरसाइकिल इनके द्वारा चोरी की गई थी। एक मोटरसाइकिल मार्च महीने में चोरी की गई थी और एक जनवरी में चोरी की गई थी। इसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल है और एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। ये दोनों मोटरसाइकिल इन तीनों अभियुक्तों से बरामद हुई है। इनसे जब और गहनता से पूछताछ की गई तो एक चीज़ जो जिस केस पे पुलिस पहले से काम कर रही थी उसी में इनको पकड़ा गया था, उस के बारे में इनसे ये पता चला कि इन लोगों ने 1 अक्टूबर के दिन एक ओला गाड़ी वहाँ से बुक की थी बनारस से, और ये कह के कि हमें मऊ में कहीं उतरना है। उस ड्राइवर को पूरे रास्ते तक ले आए और यहाँ पर चिरैया कोट और रानीपुर के पास के बॉर्डर पर इन लोगों ने ड्राइवर को मारपीट करके उसको उतार दिया और गाड़ी आगे लेकर के चले गए। पुलिस को सूचना मिलते ही उसके मालिक से बात की थी तो उसके द्वारा उस गाड़ी को कुछ फंक्शन से उनको लॉक कर दिया गया, उसके कारण वो लोग गाड़ी दूर नहीं ले जा पाए, गाड़ी छोड़कर उन लोगों को भागना पड़ा। इसी संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था थाना चिरैया कोट में। इस मुकदमे के ही खुलासे के लिए पूरी टीम लगाई गई थी, उसी टीम ने इसको पकड़ा है, इन तीनों लोगों को। इनके द्वारा इस पूरे घटना को एक्सेप्ट भी किया है और इनके सभी जो सर्वेलांस और CDR के जो सभी सबूत है उनको भी हम लोगों द्वारा खंगाला, तो वो पूरी घटना को स्पष्ट कर रहा है कि उन लोगों ने किस तरीके से वाराणसी से घटना शुरुआत की और यहाँ पे कैसे उस घटना को आते आते अंजाम दिया। इनमें से एक अभियुक्त है पंकज यादव। इसकी जब पूछताछ की गई और इसका पूरा बॉडी लैंग्वेज और पूरा चेहरा फुटेज देखा गया तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले दोहरी घाट में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति से 1,20,000 रुपये छीने गए थे। इसमें जो CCTV में फुटेज में लोग आए थे बैंक में, उसमें से एक व्यक्ति से इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और चेहरा मैच खा रहा था। तो इससे इसके बारे में पूछताछ की तो उसने बिल्कुल पूछताछ में तत्काल इस घटना को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि वो घटना जो मैंने की थी ये इन अभियुक्तों के साथ नहीं बल्कि 2 अन्य अभियुक्त हैं जिनको इस घटना में वांटेड भी किया गया है, इनके साथ में मैंने मिलकर की थी और उस घटना के संबंध में मुझे 40,000 रुपये मिले थे, बाकी 2 लोगों को 40,000 रुपये मिले थे। उसमें से 21,000 रुपये इससे बरामद भी हुए हैं और अन्य जो 2 अभियुक्त हैं जो दोहरी घाट वाली घटना में वांछित है उनकी, और जो एक ये अमेज गाड़ी को जो लूटा था इन लोगों ने और उनको छोड़कर भागना पड़ा उसके संबंध में एक बचे अभियुक्त की, 3 लोगों की अभी भी वो पुलिस की केसेस में वांटेड है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बता रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 घटनाएं जो कि मोटरसाइकिल चोरी की, 1 घटना जो कि छिनेती की जिसमें एक वृद्ध से 1,20,000 रुपये छीना था, और 1 घटना जो कि अमेज कार लूट की जो बनारस से इनके द्वारा बुक करके यहाँ मऊ में लूटी थी। ये तीनों घटनाएँ चार घटनाएँ यहाँ पे इनका खुलासा किया गया है। इनमें से जो मुख्य अभियुक्त है पंकज यादव जो कि दोनों केसेस में इन्वॉल्व है, दोहरी घाट वाली घटना में भी इन्वॉल्व है और चिराया कोट वाली घटना में, इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, ये 2017 में भी 2 केसेस में बंद हो चुका है और इससे पूछताछ की गई तो अन्य अभियुक्तों की भी जानकारी मिली, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू।